और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में सीजन का पहला स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिवेट है। अगले तीन दिन पूरे प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में मौसम विभाग ने आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अब आपको 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से ये तस्वीर है, जहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर चुका है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है और ऐसे में हालात यहां पर बिगड़े हुए हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, रायपुर के खारोद नदी की ये तस्वीर है। यहां पर इतना ज़्यादा पानी गंदा हो चुका है नदी का कि सफ़ेद झाग आप देख सकते हैं, गंदगी का सैलाब इस नदी में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए इटारसी की तस्वीर, मध्य प्रदेश के इटारसी की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर सड़कें लबालब भरी हुई है, आवागमन में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर अंतागढ़ में भी नदी नाले उफान पर हैं। बुधनी की तस्वीर आप देखिए, रेटी में भी यही हालात बने हुए हैं। और मौसम को लेकर अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ राजधानी भोपाल से संवाददाता दीपक लाइव जुड़ गया है। दीपक, लगातार हम देख रहे हैं बारिश हो रही है, बारिश से मौसम तो खुशनुमा हुआ है लेकिन कई जिलों में हम देख रहे हैं हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में फिलहाल कैसा मौसम बना हुआ है और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा? प्रशंसा बता दूं कि यदि हम राजधानी भोपाल की बात करें तो मध्य प्रदेश में अलग अलग हिस्से राजधानी समेत लगातार बारिश का दौर जारी है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश में एक्टिव है, जिसके चलते आगामी समय में इसी तरीके का करीब 4 से 5 दिनों तक मौसम रहने की संभावना है। अभी समय 5 बज गई है और आप विजिबिलिटी कम होने के कारण देख सकते हैं, जो मेरे पीछे से आपको गाड़ियां आवागमन करते हुए दिखाई देगी उनकी लाइटें जली हुई आपको नजर आएगी। इसका यही कारण है कि राजधानी भोपाल में घनघोर घटाओं के साथ मौसम तो सुहाना हो चुका है, लोग इसका लुत्फ उठाने के लिए आसपास की हरी भरी वादियों में तो जा रहे हैं। इसके अलावा जो यहां पर विजिबिलिटी कम हुई है उसके चलते अब दिन में भी वे हेडलाइट जलाने को तैयार है गाड़ियों की, और लगातार आप देख सकते हैं कि गाड़ियों में विजिबिलिटी कम होने के कारण लोग लाइट जलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की जो इसी तरीके की तस्वीरें हैं, चाहे ग्वालियर चंबल हो या पूर्वांचल का बेल्ट हो या पश्चिमी बेल्ट, सब जगहों पर इसी तरीके से बारिश का दौर लगातार जारी है और लबालब सभी तालाब नदी नाले उफान पर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जहां पर्यटकों के लिए घूमने के जगह है वहां पर पर्यटक अब घूमते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में मौसम इसी तरीके का आगामी समय में सुहाना रहने की संभावना। कई जगहों पर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें ऑरेंज येलो और रेड अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से अपील भी की है कि जब गरज चमक हो तो घर से बाहर न निकले और पूरी सेफ्टी का अपना ध्यान रखें। जी प्रशंसा, बिल्कुल दीपक, राजधानी भोपाल में तो मौसम सुहाना बना हुआ है लेकिन मध्य प्रदेश के कई जिलों से हम देख रहे हैं ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर इतना ज्यादा पानी गिर रहा है कि लोगों के घरों में पानी जा पहुंचा है। इसके साथ ही नदी नाले उफान पर है, तो वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की, क्योंकि हम देखते हैं जब ज्यादा बारिश होती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। जी मैं बता दूं कि इसके लिए प्रशासन ने पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। हर वर्ष की तरह एसडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से तैनात है और उनकी जो पूर्व से जो तैयारी है, जो साल भर उनकी प्रैक्टिस है, अब उसका लाभ अब जनता को मिलेगा। जहां पर अधिक बारिश हो रही है, जहां पर नदी नाले उफान में जहां लोग फंस रहे हैं, वहां पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच रही है। इसके अलावा नगर प्रशासन की जो टीम है या कहते थे जो शहर सरकार है, नगर निगम की ओर से भी जो तमाम जो इसके लिए अधिकारी मौजूद किए गए, चाहे वो गोताखोर हो या अलग अलग उनके जो इक्विपमेंट है उन्हें भी पूरी तरीके से अपडेट कर लिया गया और उनका यही कहना है कि यदि इस तरीके का आपदा का यदि कोई अवसर बनता है तो ये लोग पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे और जनता की सहूलियत के लिए हर वो काम करेंगे जिससे जनता को बारिश के समय तकलीफ हो रही है। राजधानी भोपाल का मौसम सुहाना बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर तेज बारिश का दौर अब जारी रहेगा लेकिन मध्य प्रदेश के कई जिलों में जरूर ये बारिश आफत बनकर बरस रही है क्योंकि हालात वहां पर बिगड़ चुके हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम का अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।